हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, दो तरह के चार्जेस होते हैं। तो अब उन चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए हम एक जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उनमें से एक डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी। मतलब इस डिवाइस की मदद से हम इलेक्ट्रिक चार्ज का पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या फिर उसके ऊपर चार्ज नहीं है, और प्लस हम चार्ज की पोलैरिटी भी पता कर सकते हैं कि चार्ज अगर है तो उस चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है। इसमें क्या है, दिस इज ए ग्लास जार। एक ग्लास जार के अंदर क्या होती है, एक मेटल की रोड होती है। ये एक मेटल की रोड है जिसको मैंने आर लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये जो मेटल की रोड है इसका जो एक एंड है, ऊपर वाला एंड है, इसके ऊपर एक मेटेलिक डिस्क लगी हुई होती है, और जो नीचे वाला एंड है इसके ऊपर दो गोल्ड की पतली पतली यहाँ पर फॉइल्स लगी होती है जिसको मैंने L1 L2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। प्लस यहाँ पर M1 M2 जो है दो मेटलिक यहाँ पर मेटल लगे हुए हैं, और ये इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब होता क्या है कि कोई भी हमारे पास डिवाइस है, हमें कोई भी हमारे पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का हमें पता करना है कि इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है। सपोज दिस इज अ पैन एंड वी आर वांट टू फाइंड दैट देयर इज चार्ज ऑन दिस पैन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मेटल की टिप से टच कराएंगे। तो जैसे ही हम इस डिस्क से टच कराएंगे, अगर इसके पास कोई चार्ज होता है, सपोज उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे होता हुआ इस मेटल के रोड के पास जाएगा, और इस मेटल के रोड से होता हुआ वो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंस ये जो गोल्ड की फॉइल यहाँ पर लगी हुई है काफी पतली होती है, लाइट वेट होती है, और तो क्या होगा, जैसे ही उसके ऊपर चार्ज आता है, सिंस दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऊपर से भाई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, बहुत रिपेल इच अदर, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, और ये जो फॉइल है ये इनिशियली ऐसे होंगे, और जैसे ही इनके ऊपर चार्ज आएगा दे विल स्प्रेड लाइक दिस, वो इस तरह से हो जाएंगी जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी के पास कोई चार्ज है या नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो इस तरह से स्प्रेड हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है तो भी स्प्रेड हो जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा दैट बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो हम डिटेक्ट कर सकेंगे कि बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। प्लस हम इसकी मदद से पोलैरिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर चार्ज है तो चार्ज की पोलैरिटी कौन सी है। अब पोलैरिटी का कैसा पता करेंगे, जैसे भी इनिशियली हमको पता है, जैसे इसके ऊपर मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे मैं इसको इससे टच कराऊंगा तो क्या होगा, ये जो दोनों गोल्ड की फॉइल है वो स्प्रेड हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है। फिर जैसे ही हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, सपोज दे स्केल है हमारे पास, और ये स्केल के ऊपर भी चार्ज है, पता नहीं कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे भी इसके ऊपर चार्ज है हम इसको इससे टच कराएंगे, जैसे ही हम इसको इससे टच कराएंगे, टच कराते इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, सपोज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये ऐसे फैली हुई होंगी। अब जैसे यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनका जो स्प्रेड है और ज्यादा हो जाएगा, ये और ज्यादा चौड़ी हो जाएंगी, और ज्यादा फैल जाएंगी, तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस अगर और ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब सामने से इसके ऊपर से जो चार्ज आ रहा है वो कैसा चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है, मतलब पहले इसमें पॉजिटिव चार्ज था और अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्दर और ज्यादा रिपल्शन होगा और ये और दोनों दूर चली जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। सपोज मान लिया नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी मदद से हम पोलैरिटी का भी पता कर सकते हैं कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, एक यहाँ पर ये बात कि हम यहाँ पर गोल्ड का यूज करते हैं, तो गोल्ड का ही क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है कि जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है, जो गोल्ड को हम सबसे ज्यादा मेलेबल होता है, सबसे ज्यादा डक्टाइल हो सकता है, सबसे ज्यादा पतला आप गोल्ड को कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर गोल्ड की फॉइल लगाई होती है। बाकी जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर कोई टिन की फॉइल भी लगा सकते हो या फिर सिल्वर की फॉइल भी लगा सकते हो, बट जो गोल्ड है सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, जिस कारण से यहाँ पर गोल्ड की फॉइल बनाई जाती है। ओके, सो दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम
यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का पता कर सकते हैं और उसकी पोलरिटी का पता कर सकते हैं। इसको ग्लास जार में इसलिए रखा होता है ताकि एयर के कारण यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।